वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर की चीज़ों को यूज़ करके अपनी सन टैन को रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पोर्स है तो उसे भी आप बहुत जल्दी मिनिमाइज कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ 3 चीज़ें शेयर करूँगी जिसे आप डे टू डे लाइफ में बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। आपको डेली वो अपने घर में मिल जाएगा। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हमें एक टमाटर लेना है और उसे रेफ्रिजरेट कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि लगाते वक्त ये हमें ठंडा लगे। तो गाइस, बचपन में तो हमें एक पोयम सिखाई गई थी, गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे काल टमाटर। यह सभी बचपन में ही रटा दी जाती है कि टमाटर खाने से खून बढ़ता है, लेकिन टमाटर के बस यही फ़ायदे नहीं है। टमाटर में विटामिन ए, बी, सी एंड के होता है। विटामिन, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर टमाटर सेहत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्टमक एंड हर्ट के को हेल्दी रखने में भी बहुत मदद करता है। ये कैंसर की कोशिकाओं को भी मारता है। सेहत के इन फ़ायदों के अलावा टमाटर आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देगा और आपको काफ़ी टाइम तक जवा रखने में भी हेल्प करेगा। तो टैनिंग के अलावा ये आपके एक्ने को कम करता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ऑयली स्किन के लिए तो ये बेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, एक टमाटर लेना है, उसे रेफ्रिजरेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद उसे अपने स्किन पे 15 से 20 मिनट तक मसाज कीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हो अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो। एलोवेरा जेल तो सबको मिल जाता है, तो सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल को निकाल के एक कटोरी में रख लेना है और चम्मच से तब तक फेंटना है जब तक ये झागदार ना हो जाए। मैंने पहले ही कर लिया था और इसे चेहरे और गर्दन पे अच्छे से लगाना है और जब ये 15 मिनट हो जाए तो आप उसे अच्छे से ठंडे पानी से धो लें। आप बेहतर रिजल्ट के लिए इसे रोज लगा सकते हैं। एलोवेरा एक बेहतरीन कूलिंग और रिफ्रेशिंग एजेंट है। सन टैनिंग के अलावा इसे आप बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल रिंकल्स को कम करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है और ये त्वचा में मौजूद महीन रेखाओं को साफ करने का काम करता है। ये एक बेस्ट और नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। इसके अलावा ये आपके स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। अगर आपके स्किन पे कील मुहासों की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी दूर करेगा। थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा आलू। आपको बस एक छोटा सा आलू लेना है, उसे कद्दूकस करना है और उसका जूस निकाल के कॉटन बॉल के हेल्प से उसे आपको पूरे फेस और नेक एरिया पे अप्लाई करना है या फिर आपको जहाँ पे भी टैनिंग हो रखी है आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। आलू में विटामिन सी होता है जो कि सूर्य की तेज किरणों से त्वचा की रक्षा कर सन टैन को निजात दिलाने का काम करता है। सन टैन के अलावा आपकी अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो इसे बहुत अच्छे से दूर करता है। आलू एक नेचुरल क्लींजर होता है। अगर आपकी स्किन में कुछ बर्निंग सेंसेशन है तो वो उससे भी दूर करता है। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कुछ वीडियो बनानी है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो या अभी के लिए बाय।